लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखें, अगर आप लोगों ने काफी सिलेबस अब कर लिया है तो लास्ट ईयर के पेपर में अगर देखेंगे तो सीधे सीधे बुक की लाइन ही थी, है या नहीं? मगर फिर भी बच्चों से क्यों नहीं हुआ? या तो इस तरह की उनकी स्टडी नहीं थी, या दूसरे धंधे में लग गया वो, मतलब क्या मतलब, वो इस तरह के जो गैर जरूरी फिजूल चीजें करते हैं वो बच्चे, मतलब जो क्वेश्चन रिलेटेड ही नहीं होते, सिलेबस से होता ही नहीं, रिलेटेड नहीं, कहीं उनका ताना बाना मिलता ही नहीं है, उन पे लगे रहते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, कोई फायदा नहीं है। देखो आप स्टडी करें जो समझे आप लोगों के काम की चीजें हैं, ठीक है, जो सिलेबस से रिलेटेड है वो चीजें जरूर पढ़े आप लोग, मगर आप इस तरह की चीजों में पढ़ जाते हैं डीपली जो क्वेश्चन बुक से तो होते ही नहीं है, तो उनकी जरूरत ही नहीं है बेटा। और फिर आप क्या होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट बुक ही सही तरीके से पढ़ी नहीं होती है, और बच्चे एमसीक्यू से ज्यादा हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये नहीं सोचो कि एमसीक्यू लग जाएंगे, ये कभी ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यू सेम के सेम लग जाएं। बुक की स्टेटमेंट पढ़ी हुई तो आपको पता चल जाएगा ये सही है ये गलत है, भाई चार स्टेटमेंट खुद ही बना सकते हैं उसमें से ना। तो अगर अच्छी तरह से बुक पढ़ा हुआ तो आपको पता चल जाएगा, उसका कंसेप्ट जेहन में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, भाई ये इस तरह है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो कंसंट्रेशन मतलब दें या ज्यादा फोकस करें वो बुक को करें, मेरी तो ये तजवीज है। अभी भी देखो पेपर जो नेक्स्ट ईयर का भी आएगा बुक से नहीं मतलब आउट नहीं होगा, बुक के सीधी सीधे लाइनें भी हों, क्यों इस बार जो है वो हुकूमत का तवज्जो अब इस पर है ही नहीं, अब वो ठीक आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का फायदा होगा, बस पेपर ऐसे ही बनेगा, सिंपली मैं बता देता हूँ।